हेलो एवरीवन ट्रू एच एच एस मीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं जानकारी क्या ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैलैकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और जैसा कि आप सभी को पता है पिछले काफी दिनों से ये बात चल रही है चाहे अनिल नागर की बात करें अश्विन शर्मा की बात करें कि भी में और एच एस एस सी में एक घोटाला हुआ है इस में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जो एस SI आई भर्ती का जो मैटर था वो देख लेते हैं तो एस SI आई भर्ती में गलत तरीके से जो अट्ठाइस अंक लेने की पुष्टि हो गई है सब इंस्पेक्टर भर्ती में सामाजिक आधार पर फर्जी तरीके से अंक लेने वाले और 28 अभ्यर्थियों की पहचान हो चुकी है तो ऐसी भी शिकायतें पहुंची है जिसमें कहा गया है कि इन दोनों अभ्यर्थियों के पिता जिंदा हैं लेकिन उन्होंने पिता की मृत्यु मिलने पर अंक लिए हैं इसलिए ने जांच शुरू कर दी है सी ने रिपोर्ट दी है कि चम्बन लोगों ने अलग तरीके से लाभ लिया है लेकिन उस, उसमें भी कुछ गड़बड़ी है तो सी ने इसमें एल में नौकरी करने वालों को भी इसमें शामिल किया है तो ये है उसके परिवार में भी माना गया तो एक तो ये है के ऊपर भी कार्रवाई निश्चित है लेकिन अभी एच ने क्या किया है वो देख लेते है, है, है। पूरा मामला यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर एक बार इसमें हम देख लेते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर एच ने स्टाफ नर्स वीएल और जो प्रक्रिया है वो रोक दी है एचपीएससी भर्ती घोटाले में आरपीओ ने इन भर्तियों में भी कुछ अभ्यर्थियों को पास कराने की बात कबूली है सूत्रों की माने तो 64 से ज्यादा अंक किसी को नहीं मिले हैं इसलिए कमीशन पूरा रिकॉर्ड खंगाल रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वास्तव में मामला है क्या तो इसके ऊपर भी इसमें सवाल उठे हैं और दूसरी तरफ जो एचपीएससी की कार्रवाई है वो भी चल रही है लेकिन इसमें एक वीडियो में की और इस वीडियो में इसकी बात कर लेते हैं साथ में आर्ट एंड क्राफ्ट जो के, यू के, के यू से डिप्लोमा करने चैनल पांच सौ पचास शिक्षा मंत्री से मिले इन्होंने मीटिंग करी है वहां पर तो ये एक छोटी सी अलग से खबर थी लेकिन मेन जो बताने का इसमें मकसद था वो यही था कि स्टाफ नर्स रियल और एन की जो भर्ती प्रक्रिया है वो रोक दी है और इसकी जाँच शुरू हो गई है यही जानकारी आप सभी को देनी थी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू गुड बाय